यमुनानगर में काला कबाड़ी उर्फ नरेश की करोड़ों की अवैध संपत्ति को पुलिस और नगर निगम ने मिट्टी में मिला दिया है। पिछले 3 दिन से चल रहा पुलिस प्रशासन का बुलडोजर आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद थमा। काला कबाड़ी के परिवार ने जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। काला कबाड़ी के वकील अमनदीप सिंह ने आज हाईकोर्ट का नोटिस अधिकारियों को सौंप दिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अपने पैर पीछे खींचते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया है। इसमें हाईकोर्ट में इन्होंने एक स्टे फाइल करी थी कि जो डिमोलिशन हो रही है वो इलीगल हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो नोटिस दिया था 7 तारीख को फिक्स करा हमें, हमारे पास जो इनको एज पर लॉ जो है मैंडेट है, इनको मिनिमम 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा और जो भी प्रोसीडिंग करेंगे 3 दिनों के बाद करेंगे। 7 तारीख को इन्होंने नोटिस फिक्स करा और इन्होंने 11 तारीख को तोड़ दिया, 10 को तोड़ दिया बेसिकली पहली बारी। तो जो 7 तारीख का दिन है वो एक्सक्लूड करा जाता है लिमिटेशन के अंदर काउंट करने के लिए दिन, तो तीसरे दिन इन्होंने 10 तारीख को तोड़ दिया, जो कि वायलेशन है इन्हीं के लॉ का। इसी ग्राउंड पे हमने हाईकोर्ट में अपील करी थी कि हमें अपील करने का भी टाइम नहीं मिला और डिमोलिशन रोकी जाए। फर्दर इनको 9 तारीख को नोटिस दे दिया था हमने ऑलरेडी कि आप इसमें इलीगल डिमोलिशन ना करो, हमें टाइम मिलना चाहिए अपील फाइल करने का। जो नोटिस इन्होंने तोड़ने का दिया था उसमें कहीं टाइम पीरियड भी नहीं बता रखा था कि कितने दिनों में आप लोग अपील फाइल कर सकते हो। इसी ग्राउंड में ऑनरेबल हाईकोर्ट में हमने अपील फाइल करी थी, जहाँ हाईकोर्ट ने स्टे कर दी प्रोसीडिंग डेमोलिशन की। इतना सर, अभी मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, फॉर्मल ऑर्डर भी आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा साइट पे, तो इनको बता देंगे। वैसे फिजिकली मैंने इनको बता दिया कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, फर्दर जितना तोड़ चुके हैं आगे ना तोड़ें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि वायलेशन हो जाए हाईकोर्ट के ऑर्डर का। दरअसल काला कबाड़ी के वकील अमनदीप सिंह ने प्रशासन की इस पूरी कार्रवाई को अवैध बताया है। वकील ने बताया कि नोटिस के 3 दिन बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने नोटिस पकड़ाते ही काला कबाड़ी की संपत्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई और हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया। आपको बता दें कि काला कबाड़ी पर आरोप है कि वो चोरी के वाहन, अवैध वसूली, लड़कियों की सप्लाई और जमीनों पर कब्जे करता था। काला कबाड़ी की पत्नी ने ही पुलिस को उसके काले चिट्ठे की लिखित में शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस सेक्शन में आई और नगर निगम के साथ मिलकर काला कबाड़ी के काले साम्राज्य को ही बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।